हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 का जो है हिंदी है, चैप्टर कितना है 14, ठीक है, हिमसुक, ठीक है। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप पढ़ते हैं तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले इसका जो है प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। इसका प्रश्न अभ्यास क्या कर रहा है, तो देखिए इसका जो है प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं, पाठ से पूछ रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे, ठीक है। इसका जो है उत्तर इस प्रकार लिखेगा, राजा अपने राजकुमारों में से जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वाला है उसका पता लगाने के लिए और अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए परीक्षा लेना चाहती थी, ठीक है। दूसरा है, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था लेकिन वही भेंट उसका जो है महंगा पड़ गया, कैसे। तो दूसरा का जो है आंसर लिखिएगा, हिमसुक राजा के लिए अमर फल लाए थे भेंट के रूप में। हिमसुक जो है राजा के लिए फल लाए थे भेंट के रूप में, ठीक है। वो फल था अमर फल, उसने सोचा था कि राजा खाएंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, इसी के लिए जो है लाया था। जब अमर फल को सबसे पहले कौवे को खिलाया गया तो कौवा जो है मर गया, ठीक है, खाते ही मर गया। सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे सुधार है। जब अमर फल को सबसे पहले कौवे को खिलाया गया तो कौवा अमर फल खाते ही, ठीक है, यहाँ पे अमर फल खाते ही मर गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है देख लेते हैं, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया। तो देखिए इसका जो उत्तर है, राजा ने अपने तीनों बेटे में से केवल तीसरे बेटे को युवराज घोषित किया क्योंकि राजनीति धर्म के ज्ञान में वजह अव्वल थे, ठीक है। अब चौथा कर रहे हैं, तुम्हारी माँ भी तुमसे, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नांकित वाक्यांश किसने और किससे कहा। कौन में कर रहा है, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी प्रसन्न होगी, ठीक है। तो किसने कहा, किससे, हिमसुक के पिता ने हिमसुक से कहा। ख में है, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो हिमसुक ने राजा से कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। गौ में कह रहा है, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए, ठीक है। तो गौ का उत्तर होगा, मंत्री ने राजा से कहा, ठीक है, ये सारी बात जो है मंत्री ने राजा से कहा। घौ में कह रहा है, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। किसने कहा, सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा। अब जो है ये कह रहा है 5 नंबर में, निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाए। क में कह रहा है, हिमसुक एक नाम है, तो हिमसुक किसका नाम है, जानवर का, आदमी का, पक्षी का, जंगल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा पक्षी का, हिमसुक एक जो है पक्षी का नाम था। ख कह रहा है, किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था, अवध के, विदर्भ के, गंधार के, कोसल। तो ये हो जाएगा जो विदर्भ, ठीक है। गौ में कह रहा है, हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था, पेड़ पे, पहाड़ पे, महल की छत पे, गुंदबद पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा पेड़ पे, हिमसुक जो है पेड़ पे
जो ठहरा था। घनमरमय जहरीले फल को राजा ने क्या किया? नदी में फेंक दिया, जलवा दिया, स्वयं खा गए, गड्ढे में दबवा दिए। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला सही हो जाए, गड्ढे में दबवा दिया। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।